हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कैसे मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं और रिपोर्ट व्यू में ये मार्कशीट हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन मेरे पास है, आपके पास जो भी वर्जन हो, काम करने का तरीका लगभग सब में एक ही है। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से व्यू पर क्लिक कर दीजिए, डिजाइन व्यू पर आ जाइए। यहाँ पर इसको क्या नाम देता हूँ मैं, मार्कशीट। ये मैंने नाम दे दिया मार्कशीट। आपने डेटा शीट व्यू में तो कैलकुलेट करना सीखा होगा, डेटा शीट व्यू में क्वेरी बना करके कैलकुलेट करना सीखा होगा, लेकिन हम डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स बना करके कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम कोई जो है क्वेरी नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे आइए देख लेते हैं। यहां पर रोल नंबर लिख देता हूं मैं, रोल नंबर, ओके। फिर इसके बाद स्टूडेंट का नेम आएगा यहां पर, तो यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट नेम। हमें सिर्फ उतना ही यहाँ पे डेटा एंटर करना है जितने की हम कैलकुलेशन ना करना हो, वही डेटा एंटर करना है। और यहाँ पर अब एक सब्जेक्ट का नाम मैं लेता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट मैं लेता हूँ इंग्लिश, और एक और सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से करके आप मार्कशीट डिजाइन कर सकते हो बहुत ही इजिली। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो मैं ले लेता हूँ कोई भी एक, जैसे मान लीजिए ले लिया मैंने बायोलॉजी, ओके। और यहां पर डेटा टाइप जो है इसका सबका नंबर रहेगा। यहां से नंबर डेटा टाइप आप चूज करेंगे ड्रॉप डाउन से, और यहां पर भी नंबर और यहां पर भी नंबर, ठीक है। और यहां से व्यू पे क्लिक करना है और यहां से यस करना है, तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब यहां पर कुछ डाटा मैं एंटर कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए राम, और इनके मान लीजिए कंप्यूटर में 56 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, 67 मार्क्स हैं इंग्लिश में और 54 मार्क्स हैं बायोलॉजी में। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं उनका नाम है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ श्याम, इनके जो है 43 मार्क्स और 55 मार्क्स और 56 मार्क्स। इसी तरह से रमेश, ये लिख दिया हमने, और इनके जो है 67 मार्क्स, 23 मार्क्स और 56 मार्क्स। तो ये हमने कर लिया, और यहाँ से ओके, इसको सेव कर लिया हमने, यानी कि हमने कैलकुलेशन का कोई भी काम इसमें नहीं किया। अब चलते हैं क्रिएट पर, ठीक है। और क्रिएट पर जाने के बाद डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, रिपोर्ट डिजाइन पर। और रिपोर्ट डिजाइन में ना जाकर के हमें ब्लैंक रिपोर्ट लेनी है, ठीक है। तो यहां से ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे सामने ब्लैंक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। हम यहां पर रिपोर्ट ही डिजाइन करने वाले हैं, तो यहां से आपको करना है व्यू पे क्लिक और डिजाइन व्यू पर आ जाना है। तो रिपोर्ट के डिजाइन व्यू में आ चुके हैं हम, ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेता हूं मैं ताकि पूरा पूरा स्पेस हमें मिले। अब यहां पर हमें सबसे पहले रोल नंबर लेना है, तो ये रोल नंबर को उठाइए और ड्रैग करके आ जाइए यहां पर। रोल नंबर को हमने यहां पर रख दिया, लेकिन यहां पे देख सकते हैं रोल नंबर जो है पूरा पूरा इसमें शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहां छिप रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और भी ज्यादा छोटा करने की जरूरत है तो इधर से आप बड़ा कर लें और छोटा कर लें, ऐसे कर दिया रोल नंबर को। अब यहां पर स्टूडेंट नेम चाहिए, तो यहां पर उठाया और यहां ले आके रख दिया हमने, और इसको भी सेट कर लेते हैं, ये स्टूडेंट नेम हो गया। फिर यहां पे कंप्यूटर की बात करेंगे, तो यहां पर कंप्यूटर इसको ऊपर ले जा करके थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, तो ये कंप्यूटर भी आ गया। और अब इंग्लिश, तो यहां पर इंग्लिश भी ले लिया हमने, ओके। इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ाएंगे हम ताकि बायोलॉजी भी इसमें एडजस्ट हो जाए। यहां से बायोलॉजी को हमने पकड़ा और ले आकर के यहां पे ड्रैग कर दिया, तो ये बायोलॉजी आ गया। और यहां पर इसको इस तरह से रखना है, थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा लेते हैं ताकि ये पूरा पूरा इसमें शो हो। अब इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, नीचे हमें वो कैलकुलेशन से संबंधित काम करने हैं, यानी कि जो हमारा टोटल आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का टोटल नीचे आता जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, यहां पर ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट 5 आया हुआ है, टेक्स्ट 5 आया हुआ है। तो अब क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी शीट पे जाना है, ये प्रॉपर्टी शीट ओपन हो गई है, और यहां से आपको कैप्शन पे जाकर के इसको हटा देना है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखा हमने ऑब्टेन मार्क्स, ओके, ऑब्टेन मार्क्स लिख दिया। अब यहां से बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्टेन मार्क्स यहां पर दिखेगा, ठीक है। और ये इस तरह से हम थोड़ा इसको विड्थ बढ़ा लेंगे, और अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स ये जो दिख रहा है यहां पर भी इसको ऑब्टेन मार्क्स बना देंगे। यहां लिखा OBTAINED obtained marks, ये लिख लिया, ठीक है। तो यहां पर भी obtained marks हो गया और यहां पर भी obtained marks हो गया, यानी दोनों में हमने चेंज कर लिया। अब एक और टेक्स्ट बॉक्स एवरेज के लिए, ठीक है।
तो यहां पर एवरेज के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा ये हमने कर दिया ऐसे, ये ओके। तो अभी हमें यहां पर जो कैप्शन है इसको चेंज करना है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज, तो यहां पर लिख देंगे एवरेज, लिख दिया। और अब अनबाउंड वाले को भी यहां पर चेंज करना है, यहां पर भी इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और यहां पर जो टेक्स्ट 7 आ रहा है इसको हम एवरेज बनाएंगे, तो यहां पे इसको हटा करके लिखा मैंने ए बी ई आर ए जी ई एवरेज, ओके। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इतना कर लेने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसकी हमें इतनी ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं, तो यहां से इसको छोटा कर लिया और ये फुटर को इसमें जाके चिपका देंगे। और अब हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके यहां पर देख सकते हैं आप ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है लाइन कलर, इसको आप क्लिक कर दें तो यहां पर जो है सब जो है बॉर्डर बन जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहां पर अब हमें कैलकुलेशन से संबंधित काम करने हैं, तो अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स ऑप्टेन मार्क्स पे क्लिक करिए, यहां पर कंट्रोल सोर्स पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, यहां पर आ चुका है एक्सप्रेशन बिल्डर, इज इक्वल टू का निशान लगाइए। अब क्या करना है आपको, ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर, अब प्लस का निशान लगाएं, दूसरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो यहां पर इंग्लिश ले लीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहां पर दिया हुआ है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी भी ले लीजिए, अब ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा आपका ऑप्टेन मार्क्स। अब आएंगे हम वापस एवरेज पर, एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो एवरेज कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि ऑप्टेन मार्क्स अपॉन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहां से वापस से थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, इज इक्वल टू का निशान लगाया, ऑप्टेन मार्क्स ले लेंगे, जो भी ऑप्टेन मार्क्स है, ठीक है, यहां से ले लिया हमने ऑप्टेन मार्क्स, ओके। नाउ अपॉन एंड थ्री, बिकॉज वी हैव थ्री सब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन थ्री, ओके। इफ वी हैव फोर सब्जेक्ट्स देन वी हैव टेकन फोर, ओके। फाइव सब्जेक्ट्स देन वी हैव टू टेकन फाइव, ओके, नो प्रॉब्लम, प्रेस ओके, ओके। तो ये भी हमने कैलकुलेशन पूरा कर लिया। अब यहां देख सकते हैं इज इक्वल टू ऑप्टेन मार्क्स अपॉन थ्री आया हुआ है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पूरा काम हो चुका है। अच्छा, एक काम हमें और करना है, और यहां पर हम हेडर को भी ऊपर से यहां से इसमें मर्ज कर देते हैं, चिपका देते हैं। यहां पर रिपोर्ट में ये जो टाइटल है वो टाइटल हमें देना है। अब यहां पर रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, हम यहां पर डिजाइन कर रहे हैं मार्कशीट, ओके। तो मार्कशीट लिख दिया हमने, और थोड़ा सा मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख देना चाहूंगा, तो यहां पर मार्कशीट लिखा हमने, और यहां पर लिखता हूं ऑफ द शाइन इन इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये लिख दिया हमने, और इसको शिफ्ट कर देते हैं हम मिडिल में, सेंटर में लेके जाते हैं, तो ये हमने सेंटर में ले लिया इसको, ठीक है। और इसको हम बोल्ड भी बना लेते हैं, यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड बनाएंगे। अच्छा, बोल्ड बनाने के पहले हम इसका फॉन्ट जो है वो भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये फॉन्ट अच्छा नहीं है, बोल्ड में नहीं दिख रहा। अब देखिए ये बोल्ड में दिख रहा है अपने आप, और यहां से बोल्ड भी कर देते हैं ताकि और भी ज्यादा ये बोल्ड में दिखने लगे। यहां से कलर हमें पिक करना है, तो यहां पर मैं ब्लैक कलर लगाता हूं। ब्लैक कलर लगाने के बाद ये जो है दिखेगा नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो टेक्स्ट है इसको कर देता हूं व्हाइट, तो अभी ये बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। यहां पर इसका भी कलर मैं करना चाहता हूं चेंज, और इससे भी पहले ये रिपोर्ट का फुटर मैं चिपका देता हूं इसमें। और यहां पर अब कलर चेंज करना है हमें बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड पे मैं ये कलर यूज कर लेता हूं, ये कलर यूज कर लिया हमने। अब यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं टोटल भी आया हुआ है, एवरेज भी आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है। ये देखिए रोल नंबर, टोटल, एवरेज, सब कुछ कैलकुलेट होकर आ रहा है। यहां पे देख सकते हैं ये जो भी स्टूडेंट के नाम हमने लिखे हैं वो सब कुछ कैलकुलेट होकर अपने आप आ रहा है, ठीक है। अब आप जो भी डेटा, अब पहले रिपोर्ट को मैं सेव कर लेता हूं, यहां से इसको सेव करता हूं, यहां पे इसको भी नाम मैं मार्कशीट ही दे देता हूं, मार्कशीट, ओके, एंटर प्रेस किया, ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हम एंटर करेंगे वो यहां पे एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमने एंटर किया रीता, स्टूडेंट का नाम है, यहां पे इनके मार्क्स, ओके। अब इसको सेव कर देता हूं, ठीक है, सेव कर दिया, यहां से क्लोज कर देता हूं इसको, और इसको भी रिपोर्ट को भी मैं अभी क्लोज करता हूं, और फिर दोबारा से इसको ओपन करता हूं। तो यहां पे देखिए रीता वाला नाम आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, तो अभी यहां पे देख सकते हैं रीता वाला नाम अपडेट हो चुका है, इनके 178 मार्क्स हैं, ऑप्टेन मार्क्स 178 है, और जो एवरेज आया हुआ है वो 59.3333% आया हुआ है।
तो इस तरीके से आप मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं। एक और सवाल जो कि बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर विकास, तो वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जब हमें देखना होगा तो कैसे हम देख पाएंगे, तो ये सवाल का जवाब भी मैं जल्द ही दूंगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।